हेलो दोस्तों, आईटीआई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन के अगला जो आपका चैप्टर आता है, ये वैद्युतिक उपसाधन, वहाँ से लिए गए प्रश्न हैं और ये आपके सभी प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका एक फ्यूज। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परिपथ के साथ हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है। दूसरा ऑप्शन है परिपथ के साथ हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है। तीसरा ऑप्शन है परिपथ के साथ सामान्यतः श्रेणी में जोड़ा जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका परिपथ के साथ सामान्यतः समांतर में जोड़ा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि एक फ्यूज आपका परिपथ के साथ हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका फ्यूज की रेटिंग को हमेशा खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर वोल्ट, चौथा ऑप्शन है एम्पियर घंटे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्पियर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका एक परिपथ में उचित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए एक फ्यूज को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भार के समांतर, दूसरा ऑप्शन है भार के साथ श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है किसी भी संभावित तरीके से, और चौथा ऑप्शन है आपका ग्राउंड बिंदु पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भार के साथ श्रेणी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका जब एसी वोल्टेज मापने के लिए एक मानक मल्टीमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो मल्टीमीटर किस प्रकार की माप प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शीर्ष से शीर्ष, दूसरा ऑप्शन है शीर्ष, तीसरा ऑप्शन है औसत, चौथा ऑप्शन है आरएमएस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आरएमएस। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका जब किसी लैंप को 12.6 वोल्ट से जोड़ा जाए तो वह 120 मिली एम्पियर की धारा ग्रहण करता है तो लैंप का प्रतिरोध होगा। आप सब जानते हैं कि V इजिकल्स टू क्या होता है आपका, I इंटू R होता है। V का मान आपको दे दिया गया है 12.6 बराबर, I का मान आपको दे रखा है 120 मिली एम्पियर। तो मिली को आप जब हटाएंगे तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 से गुणा करनी पड़ेगी और इंटू R। जब आप यहाँ से R का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, 120 × 10 की पावर -3, ये इसके नीचे चला जाएगा 12.6 के। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो R का मान निकल जाएगा जो आएगा आपका 105 ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 105 ओम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका सर्विस फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा मीटर के बाद, दूसरा ऑप्शन है मुख्य स्विच से पहले, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए व बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका दुर्घटना से बचने के लिए राइटर नोट के अंदर एक एक्सेसरीज का उपयोग करना अनिवार्य है, इस एक्सेसरीज का नाम क्या है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीलिंग रोज, दूसरा ऑप्शन है बैटन होल्डर, तीसरा ऑप्शन है ब्रैकेट होल्डर, चौथा ऑप्शन है 3 पिन प्लग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सीलिंग रोज। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका शॉर्ट सर्किट होने से परिपथ को बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्विच, दूसरा ऑप्शन है एमसीबी, तीसरा ऑप्शन है मीटर, चौथा ऑप्शन है आइसोलेटर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एमसीबी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका पीवीसी या इंसुलेटेड बॉडी वाले द्वि इंसुलेटेड उपकरणों के लिए कौन सी आउटलेट सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 पिन सॉकेट, दूसरा ऑप्शन है 2 पिन सॉकेट, तीसरा ऑप्शन है 3 पिन प्लग, चौथा ऑप्शन है 2 पिन प्लग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 पिन सॉकेट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 1 टन के एयर कंडीशनर के लिए प्रयुक्त एमसीबी की धारा परास है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 से 12 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 10 से 15 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 8 से 10 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 से 15 एम्पियर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका घरों में प्राय प्रयुक्त होल्डर है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बैटन होल्डर, दूसरा ऑप्शन है एंगल होल्डर, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू टाइप होल्डर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बैटन होल्डर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका जहां पर रोशनी का प्रभाव तिरछा रखना होता है वहां पर प्रयुक्त होल्डर है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए। पहला ऑप्शन है बैटन होल्डर, दूसरा ऑप्शन है एंगल होल्डर, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू टाइप होल्डर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंगल होल्डर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका विद्युत उपसाधनों के टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है स्टील, चौथा ऑप्शन है लोहा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पीतल।
अगला प्रश्न आपका, एक तरफ के सर्किट को नियंत्रित करना हो तो काम में लेंगे। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वन वे स्विच, दूसरा ऑप्शन है टू वे स्विच, तीसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट स्विच, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वन वे स्विच। इसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, थ्री पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है प्लग टॉप सॉकेट में भली प्रकार फिट हो सके, दूसरा ऑप्शन है अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, तीसरा ऑप्शन है पिनों में भिन्नता दिखाई दे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखें जिससे आपको पता चल सके किस तरह के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं।